और अब इस ऑक्सीजन टैंकर से बीजेपी की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑक्सीजन बीजेपी को नहीं मिली है। सीटों की ऑक्सीजन की जो बात हो रही है वो टीएमसी को 194 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 4। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक नया टाइटल मिल गया है, नकलची का। बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स के बीच तलाक हो रहा है। देश आज इस स्क्रीन पर बैठे हुए किसी को माफ नहीं करेगा। अगर आज भी हम मुस्कुराएं और तालियां बजाएं और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इस पर चर्चा करें। बीजेपी कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है घर से बाहर। बर्बाद हो गए कई घर दवा खरीदने में, कुछ लोगों की तिजोरियां भर गई जहर बेचकर, और हम ऐसे लालाओं को रोक नहीं पाए। हर हफ्ते की तरह बातें इस हफ्ते भी गोदी मीडिया की करते हैं। देश में एक तरफ लोग दवाइयां, बेड्स और ऑक्सीजन ना मिलने से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया सरकार से सवाल नहीं कर रहा। पर आप एबीपी न्यूज का ये क्लिप देखिए कि किस तरह एंकर ने ऑक्सीजन को बंगाल के चुनावी नतीजों से जोड़ दिया। देश में इस समय ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो अब ये सीटों की जो ऑक्सीजन है ये किसको मिली, ये हम समझाने की कोशिश इस ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा जो ग्लोब मास्टर प्लेन है वो आ चुका है, ऑक्सीजन टैंकर नीचे उतर रहा है। और अब इस ऑक्सीजन टैंकर से बीजेपी की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑक्सीजन बीजेपी को नहीं मिली है। सीटों की ऑक्सीजन की जो बात हो रही है वो टीएमसी को 194 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 4। कांग्रेस को लगता है कि वेंटिलेटर पर है, कांग्रेस को तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिली है। तो ये जो सीटों की ऑक्सीजन है उसमें टीएमसी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हमारे देश में कोरोना से लोग परेशान हैं और मीडिया का पड़ोसी देश में क्या चल रहा है इस पर चिंता ज्यादा दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन से जनता को जो परेशानी हो रही है वो दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक नया टाइटल मिल गया है, नकलची का। तब्दीली का वादा करके आए इमरान पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरह अब बाजारों की सैर को निकल रहे हैं। पहले भी उन्होंने नवाज शरीफ की कॉपी करते हुए जनता से डायरेक्ट फोन पर बात शुरू की थी, लेकिन जब इमरान खान बाजार में पहुंचे तो जनता ने उन्हें महंगाई पर घेर लिया। पाकिस्तान में रोज नए रिकॉर्ड बना रही महंगाई के जवाब में इमरान खान एक म्यूजिकल फोटो शूट ले आए हैं। इमरान सरकार रमजान बाजार लगा रही है, उसी का मुआयना करने इमरान खान पहुंचे थे। जाहिर है प्रधानमंत्री के इस पब्लिसिटी स्टंट को टेलीकास्ट करने के लिए कैमरे भी साथ थे और फुल म्यूजिक भी ऑन था। और अपने देश का क्या, यहाँ भी लोग कोरोना से परेशान हैं और सरकार खामोश सी दिखाई दे रही है, तो सरकार से इन मुद्दों पर सवाल कौन करेगा। वैसे सवाल करना तो मीडिया का काम है जो हम करते हैं, पर मेनस्ट्रीम मीडिया का क्या, मेनस्ट्रीम मीडिया कहां व्यस्त है आप सी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी का ये डीएनए शो देखकर अंदाजा लगा ही लीजिए, जिसमें वह बिल गेट्स के तलाक पर बात कर रहे हैं। और अब आज की एक और बड़ी खबर ये है जो आपको जाननी चाहिए कि मशहूर उद्योगपति बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स के बीच तलाक हो रहा है। दोनों 27 साल से एक साथ रह रहे थे, उनकी जो शादी है 27 साल पुरानी है। बिल गेट्स की उम्र इस समय 65 वर्ष है जबकि मेलिंडा गेट्स की उम्र इस समय 56 वर्ष है, यानी वो बिल गेट्स से 9 साल छोटी हैं। उनके 3 बच्चे हैं और कुल मिलाकर उनकी आप सबकी नज़रों में हैप्पी लाइफ रही होगी, फिर भी दोनों ने बिना कोई वजह बताए तलाक लेने का फैसला लिया है। ये खबर जितनी चौंकाने वाली है उतनी रोचक भी है, क्योंकि उनकी जो लव स्टोरी है ये 27 साल पुरानी है और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन पैसा होने से ज़रूरी नहीं कि पैसे की वजह से आपका पारिवारिक जो जीवन है वो भी खुश रहे। देश में कोरोना से लोग दुखी हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनके लिए मसीहा बनेगी, पर सरकार से सवाल पूछने वाले मीडिया कोरोना के बीच इलेक्शन पर डिबेट करती नजर आ रही है। एबीपी न्यूज पर बंगाल चुनाव के नतीजे पर डिबेट में पवन खेरा डिबेट छोड़कर चले गए और एंकर को फटकार भी लगाई। आप खुद ही सुन लीजिए। पवन खेड़ा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ गायब है? 14 से 25 मुझे लगता नहीं है सुमित भाई, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जीत रहे हो या हार रहे हो मुस्कुराना अफोर्ड कर सकता आज की स्थिति। तो स्थिति देश की है, मेरा मन तो नहीं है कि मैं इस डिबेट में कोई ज्यादा इस पे कोई टिप्पणी करूं। आज देश हार रहा हो कोरोना से और हम एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उस पे चर्चा कर रहे हो, मुझे नहीं लगता देश हमें माफ करेगा।
कम से कम मैं ये पाप नहीं करूं। आपकी आपकी संवेदनाओं का हम सम्मान करते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आप डिबेट से निकलना चाहते हैं पवन जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी के साथ, लेकिन मैं ये कहते हुए निकलना चाहता हूँ सुमित अवस्थी जी, देश आज इस स्क्रीन पर बैठे हुए किसी को माफ नहीं करेगा। अगर आज भी हम मुस्कुराएं और तालियां बजाएं और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इस पर चर्चा करें, आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो कुछ शमशान के बाहर लाइनें लगा कर बैठे हैं, कुछ ऑक्सीजन के लिए मुझे और आपको सबको फोन आ रहे हैं, बिस्तरे नहीं मिल रहे हैं अस्पतालों में, और हम चर्चा ये कर रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसको कितने परसेंटेज मिल रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही है, क्या हम इसलिए हैं राजनीति में? हाल ही में बंगाल के चुनावों के नतीजे आए जिसमें ममता बनर्जी ने जीत हासिल की। इसके बाद भी बंगाल में हिंसा की खबर आई, मीडिया इस बार भी बीजेपी के पक्ष में ही खड़ा दिखाई दिया, अब खुद देख लीजिए। और अस्पतालों का निकल रहा है दम, क्या लॉकडाउन ही करेगा कोरोना को बेदम? लेकिन हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है बंगाल में, मतलब वोट नहीं देंगे तो मार देंगे? बीजेपी कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है घर से बाहर, मारा जा रहा है, उन्हें जान से मार रहे हैं। आप लोग ना चुनाव लड़ते तो कम से कम जाने तो बच जाती, जीतने देते ममता बनर्जी को, अकेले रेस में जीतती बन जाती सीएम। आपके चुनाव लड़ने के चक्कर में कितनी जाने चली गई, जिन लोगों ने आपकी बात की आज उनकी हत्याएं हो रही है। अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के साथ साथ बीजेपी ने महिला कार्यकर्ताओं से रेप का सनसनीखेज आरोप भी लगाया है, और यहाँ तक आरोप लगा है कि गैंगरेप भी हुआ है। सवाल सीधे तौर पर जहन में ये आता है कि क्या इसी दिन को देखने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, या ममता दीदी को क्या इसी दिन के लिए चुना गया था? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी से सियासी बदला लिया जा रहा है? गोदी मीडिया सवाल करे न करे, पर कुछ पत्रकार हैं जो आज पत्रकारिता करते हुए सरकार से तीखे सवाल कर रहे हैं। आप इस पत्रकार को सुनिए कि वे किस तरह सरकार की आलोचना कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कोरोना जितना बढ़ेगा सत्ताधारी दल उतना नीचे गिरेगा। लिख लीजिए कागज में, जिसने अपने घर के व्यक्ति को खोया, जिसने अपने मोहल्ले में अपने गाँव में व्यक्ति को खोया, वो सत्ताधारी दल को वोट देने नहीं जा रहा। ये समझ लीजिए आप, फिर सुन लीजिए, कोरोना जितना बढ़ेगा सत्ताधारी दल उतना ही नीचे गिरेगा रसातल में। अब व्यवस्थाएं हर कोई देख रहा है, और चलते चलते दो तीन लाइनें कहना चाहता हूं सरकार के लिए खास तौर पे। कोई चैन से सो रहा है शहर बेचकर, कोई सुहाग बचा रहा है जेवर बेचकर, बाप ने उम्र गुजार दी घरौंदा बनाने में, बेटा उसी बाप की सांसें खरीद रहा है घर बेचकर, बर्बाद हो गए कई घर दवा खरीदने में, कुछ लोगों की तिजोरियां भर गई जहर बेचकर, और हम ऐसे लालाओं को रोक नहीं पाए। हर चीज ब्लैक में है, दवाई ब्लैक में, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में, हर चीज। आम आदमी मरा जा रहा है, आम आदमी की जो मौत है उसको इंसाफ कौन देगा? आप इंसाफ नहीं दोगे तो वो वोट की चोट मार के इंसाफ लेगा। ऐसे समय में मीडिया भी सरकार से सवाल ना करे तो कब करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.